नमस्कार साथियों, आपका पार्थ अकेडमी में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जैसे आपको अवगत है कि पार्थ अकेडमी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेकर आई है, उस सीरीज का ये दूसरा प्रश्न पत्र है। इसके साथ पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। बारालाचा, कुंजुमला, जास्कर पर्वतमाला और पीर पंजाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जास्कर पर्वतमाला। जब हम जास्कर पर्वतमाला की बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली ट्रांस हिमालयों का पार्ट है और जो ये जास्कर रेंज है ये लाहौल स्पीति, किन्नौर और तिब्बत को अलग करती है। सीधा सा मतलब है जो लाहौल स्पीति और किन्नौर हिमाचल प्रदेश के जिले हैं, इनके बीच और तिब्बत के बीच ये जास्कर रेंज अवस्थित है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे शीला, शिपकी और लियोपार्जिल, ये तीनों चोटियाँ ट्रांस हिमालय बोले तो जास्कर रेंज के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन ए में देखिए बारालाचा लिखा है। जब हम बारालाचा की बात करते हैं तो बारालाचा को हिमाचल प्रदेश का चौराहा भी कहते हैं। तो चौराहा का मतलब हुआ जहाँ पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं। अब प्रश्न बनता है कि कौन कौन से रास्ते बारालाचा नामक स्थान पर मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए, पूरब से आने वाला रास्ता जास्कर है और उत्तर से आने वाला रास्ता लद्दाख है और दक्षिण से आने वाला रास्ता स्पीति है और पश्चिम से आने वाला रास्ता लद्दाख है। तो इस प्रकार हमें पता चला जो बारालाचा है इसे हिमाचल प्रदेश का चौराहा कहते हैं। यहाँ पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में लिखा है कुंजुमला। जो कुंजुम दर्रा है ये आपका लाहौल स्पीति में है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है स्पीति नदी। वही स्पीति नदी जो स्पीति घाटी का निर्माण करती है। इसके साथ अगर मैं ऑप्शन डी की तरफ बात करूँ, तो ऑप्शन डी में लिखा है पीर पंजाल। जब हम पीर पंजाल की बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का जन्म हिमाचल प्रदेश के चंबा से होता है और यह हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में फैली हुई है। वो जिले कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का निचला हिस्सा और किन्नौर का निचला हिस्सा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक ऐसी ही कुछ और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का जन्म कांगड़ा जिले के धर्मशाला से होता है। इस पर्वत श्रृंखला को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मोलाक पर्वत और सफ़ेद चोटी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, इसको कांगड़ा के मुकुट के तौर पर भी जानते हैं। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी मैंने तथ्य बताए हैं एक एक लिखते चलिए, सभी तथ्यों महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगा। अगर आप मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की जीके को बहुत विस्तार पूर्वक और ट्रिकी वे में पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको सबसे पहले क्लास में एनरोल किया जाएगा, उसके बाद आपको दो डेमो क्लासेस दी जाएगी। दो डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको हमारे साथ कंटिन्यू अपनी तैयारियां रखनी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहां से प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है डडोल, गुमारवी, कसोल और गगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कसोल। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर ऑप्शन में संघोल होता तो उस स्थिति में सही उत्तर संघोल होता। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की में इसका सही उत्तर है कसोल। तो इससे हम पता चला कि कसोल हिमाचल प्रदेश में दो जगह है, एक आपका बिलासपुर में जहाँ से सतलुज नदी बिलासपुर में प्रवेश करती है, दूसरा कसोल है आपका कुल्लू जिले में। जो कुल्लू जिले का कसोल है इसको हम मिनी इज़राइल के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है। ये कसोल आपका पार्वती नदी के किनारे हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए। हो सकता है अगले एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाए कि सतलुज नदी
किन्नौर में कहाँ प्रवेश करती है, तो आपने उत्तर देना है शिपकी नामक स्थान से। अगर प्रश्न पूछे कि सतलुज नदी किन्नौर को कहाँ पर छोड़ती है, तो आपने उत्तर देना है चौरा नामक स्थान से। और अगर प्रश्न कुछ इस तरह से बने कि जो सतलुज नदी है ये शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपने उत्तर देना है बधाल नामक स्थान से। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सतलुज नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपने उत्तर देना है हुईदार। अगर हुईदार ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने उत्तर देना है फिरनू गांव से। कहाँ से? फिरनू गांव से। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देई कुंड समीप एक स्थान है, आपके पास ऑप्शन है चंबा, धर्मशाला, डलहौजी और नगरोटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डलहौजी। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो होगा नहीं, नगरोटा आपका कांगड़ा में है और धर्मशाला भी आपका कांगड़ा में है। तो देई कुंड वास्तव में पता होना चाहिए हमें कि देई कुंड कहाँ पर है, चंबा में। चंबा में कहाँ पर है ये, आपने उत्तर देना है डलहौजी में। ध्यान दीजिएगा जो देई कुंड है ये एक झरना भी है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए देई कुंड नाम की एक चोटी भी है। ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। 1786 ईस्वी में किरतवार राज्यों के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है राज सिंह, ब्रजराज, ध्यान सिंह और जीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीत सिंह। जब हम चंबा के राजा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चंबा के राजा में सबसे जो प्रसिद्ध उपाधि रही है वो रही है वर्मन की उपाधि। उसके बाद अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो सिंह की उपाधि। तो दोनों उपाधियों का पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्मन की उपाधि पाने वाला पहला राजा कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है। तो आपने उत्तर देना है आदित्य वर्मन। और अंतिम राजा कौन था जिसने वर्मन की उपाधि को ग्रहण किया था, तो आपने उत्तर देना है गणेश वर्मन। अब यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि सिंह की उपाधि पाने वाला चंबा का राजा कौन था, तो आपने उत्तर देना है फिर से गणेश वर्मन, और अंतिम राजा था लक्ष्मण सिंह। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया था? आपके पास ऑप्शन है 1337, 1340, 1327 और 1556। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1337 में। जब हम कांगड़ा किले की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस किले का दूसरा नाम नगर कोट का किला भी है। तो नगर कोट के किले पर अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया, और उनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जैसे इस एग्जाम में पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब अटैक किया, तो अगला जैसे हमने उत्तर दिया 1337 में, अगला प्रश्न हो सकता है कि जो महमूद गजनवी है इसने कांगड़ा किले पर कब अटैक किया, तो आपने उत्तर देना है 1009 में, और ये इसका सातवां आक्रमण था। जैसे आप सभी को अवगत होगा कि जो आपका मोहम्मद गजनवी है इसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, उसमें से नगर कोट के किले पर इसका जो आक्रमण था ये था सातवां आक्रमण। इसके साथ प्रश्न बन सकता है फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट के किले पर कब आक्रमण किया, तो आपने उत्तर देना है 1365 ईस्वी में। इसके अंत में बताना चाहूँगा तैमूर लंग ने कांगड़ा किले पर आक्रमण कब किया, तो आपने उत्तर देना है 1398 ईस्वी में। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो आपका जहांगीर था इसने भी कांगड़ा किले पर अटैक किया था, कब अटैक किया था, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है 1622 ईस्वी में। और 1622 ईस्वी में ये अपनी पत्नी नूरजहां के साथ कांगड़ा आया था, और इसी कारण जो नूरपुर है इसका नाम नूरजहां के नाम पर पड़ा। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, इससे पहले प्रश्न बन सकता है कि नूरपुर को इससे पहले किस नाम से जानते थे, या ऐसा प्रश्न बन सकता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो आपने उत्तर देना है धमेरी। धमेरी से नूरपुर नाम का पड़ा 1622 में। क्यों पड़ा? क्योंकि उस दौरान जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को नूरपुर लाया था, सीधा समझ लो कांगड़ा लाया था, और कांगड़ा का नूरपुर नामक स्थान नूरजहां को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए
जहांगीर ने क्या किया, अपनी पत्नी के नाम पर धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रखा। इसका साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी थी। रामपुर बुशहर की बात कर रहा है तो ऑप्शन में ले है, उत्तर नहीं होगा। लासा है, बिल्कुल गलत, और रिबा है, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कामरू। तो ध्यान दीजिएगा, जो बुशहर रियासत के राजा थे, इनकी मुख्य तौर पर तीन राजधानियां रही है। एक कामरू रही है, इस कामरू को राजा प्रद्युम्न ने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद कामरू से राजधानी स्थानांतरित की गई है सराहन के लिए, किसने की, राजा चतर सिंह ने। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि सराहन से किस राजा ने राजधानी को रामपुर स्थानांतरित किया, तो आपने उत्तर देना है राजा राम सिंह ने। ध्यान दीजिएगा, रामपुर का जो नामकरण हुआ है ये भी राजा राम सिंह के नाम पर हुआ है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके पास ऑप्शन है देवेंद्र सिंह, वाई एस परमार, चौधरी शेरजंग और हरिचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौधरी शेरजंग। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं सिरमौर प्रजामंडल की, तब तब हमें पता चलना चाहिए चार और ऐसे कुछ विद्रोह हैं, आंदोलन हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपने एक ट्रिक याद रखना है, PDPS। PDPS क्या मतलब है? P से प्रेम प्रचारणी, D से धामी गोलीकांड और P से पझौता, S से सुकेत सत्याग्रह। याद रखना, फिर से लिखना, PDPS, P से प्रेम प्रचारणी। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेम प्रचारणी है ये एक सभा है और इस प्रेम प्रचारणी का गठन 1937 में हुआ। इसके साथ अगर मैं बात करूं, जो धामी गोलीकांड है, धामी गोलीकांड 1939 में हुआ, इसका नेतृत्व भागमल सौठा जी ने किया। और अगर मैं बात करूं यहां पर पझौता आंदोलन की, पझौता आंदोलन 1942 में हुआ और इस आंदोलन को हिमाचल प्रदेश का भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पझौता आंदोलन है इसका नेतृत्व, इसकी अध्यक्षता वैद्य सूरत सिंह ने की थी। अगर मैं अंत में बात करूं सुकेत सत्याग्रह की, जो सुकेत सत्याग्रह है ये मंडी में हुआ और इस आंदोलन की जो अध्यक्षता ये पंडित पद्मदेव ने की थी। अब प्रश्न बनता है, जो सुकेत सत्याग्रह है ये कब हुआ, तो आपने उत्तर देना है 1942 में। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर जैसे ऑप्शन सी देखिए, चौधरी शेरजंग लिखा है, आपने मुझे बताना है जो सिंबल वाला नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क को और किस नाम से जानते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके पास ऑप्शन है सोईधार, फरनाली, खोखम और निर्मंड में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्मंड। अगर हम यहाँ पर निर्मंड पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है, बूढ़ी दिवाली कहाँ, निर्मंड में। अब यहीं पर ध्यान देना है, बूढ़ी दिवाली को लाहौल स्पीति को खोजला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खोजला के नाम से। और बात चल रही है निर्मंड की, और जब जब हम निर्मंड की बात करते हैं तब तब हमें यह पता होना चाहिए कि निर्मंड में जिस प्रकार बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार निर्मंड में भूंडा उत्सव मनाया जाता है। और जो भूंडा उत्सव है ये 12 साल में एक बार होता है, और जो ये भूंडा उत्सव है ये परशुराम, भगवान परशुराम या ऋषि परशुराम के लिए समर्पित है। अब ध्यान देना है, कई बार प्रश्न बनता है, हिमाचल प्रदेश के उस उत्सव का नाम बताओ जिसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। तो ध्यान देना है, जो बृहस्पति ग्रह है इसका संबंध किससे है, तो आपने उत्तर देना है भूंडा उत्सव से। इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए, जब हम निर्मंड की बात करते हैं, कि निर्मंड में एक परशुराम मंदिर भी है, ठीक है, और जो सातवीं शताब्दी में बना था। और कैसे पता चला कि सातवीं शताब्दी में बना, तो ताम्र पात्र के माध्यम से। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, जो निर्मंड का परशुराम मंदिर है इसका जो छत लगाया था ये लाहौल स्पीति के राजा सूरज सेन ने लगाया था। किसने? सूरज सेन ने लगाया था।
और इसके साथ साथ हमें निरमंड के बारे में ये भी पता होना चाहिए। जो निरमंड गांव है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है और निरमंड को मिनी काशी के नाम से भी जानते हैं और मिनी गुलमर्ग के नाम से भी जानते हैं। सभी तथ्य एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, टॉस कौन सी नदी की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है पार्वती, रावी, सतलुज और यमुना। इसका सही उत्तर है यमुना। ध्यान दीजिएगा, जो टॉस नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे पपर, आंध्रा, पटसरी, रूपिन और सुपिन, अंत में मीनस नदी। जो ये नदियां हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो टॉस नदी है ये यमुना नदी के साथ कहां पर मिलती है, तो आपने उत्तर देना है खादर माजरी नामक जगह पर। अब यहां पर दो प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। जो खादर माजरी नामक स्थान है यहां से आपकी यमुना नदी भी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहीं पर आपकी टॉस नदी यमुना नदी के साथ मिलती है। अगर मैं और कुछ अन्य नदी की बात करता हूं जो यमुना नदी की सहायक नदी है, वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे गिरी नदी, अश्वनी नदी और मारकंडे नदी, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी नदियां महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी राज्य और रियासत की राजधानी जुंगा थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्योंथल। जो क्योंथल क्षेत्र है ये वर्तमान में शिमला में पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं ऑप्शन सी की तरफ रुक करता हूँ तो ऑप्शन सी में लिखा है रितेश, तो ध्यान दीजिएगा जो रितेश रियासत है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रियासत थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे बड़ी रियासत और सबसे पुरानी रियासत की, तो आपने उत्तर देना है त्रिगर्त रियासत, जिसको हम वर्तमान में कांगड़ा के नाम से जानते हैं, और दूसरी सबसे पुरानी रियासत तब आपने उत्तर देना है कुलूत रियासत, जिसको वर्तमान में कुल्लू के नाम से जानते हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में अवगत होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कैलोरी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कैलूरी भाषा भी है और कैलूर नाम की एक रियासत भी थी। तो ध्यान दीजिएगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैलूर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय हिमाचल।